अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट हसन शेख। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि शी इज़ अ काइंड ऑफ अ लेडी हु इज़ एन अमैलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, थिएटर भी करती हैं, एक्ट्रेस भी हैं और सिंगिंग भी करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट का एक बहुत हसीन शाहकार हैं। और मैं किसी भी मुबालगा आराई का यहाँ पर कोई सहारा नहीं ले रहा हूँ। एंड आई, मुझे भी पता है कि जब मैं आप लोग उनसे मिलेंगे या आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। वन एंड ओनली कैफ गजनवी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत। क्या थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। अच्छा अच्छा लगा आपको? भाई मैंने तो हकीकत मतलब बयान की है और मैं तो हक ही बोलता हूँ। आप बताएं क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में अभी तो मदरहुड चल रहा है। मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और कुछ आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ों का सोच रखा हुआ है, सोच रखी हुई है कि एक आर्ट का एक और यू नो अलग सी शक्ल ऑडियंसेस तक लेके जानी है। कैफ को 2020 ने क्या सिखाया? 2020 ने पेशेंस सिखाया है बहुत सारा, और ये सिखाया कि पहले भी पता था पर इस चीज़ को एक तरह से रीइटरेट हो गया कि हर चीज़ जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। जब वक्त बुरा आता है तो अच्छे वक्तों की कदर होती है, और जब वक्त अच्छा आता है तो बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, उसके लिए अपने स्ट्रेंथ क्रिएट करनी चाहिए। सही। अच्छा, क्या दिस पर्सोना दैट यू हैव, दिस डिमीनर, दिस यू नो वे ऑफ टॉकिंग, ये अंदाज़ बयां, हाँ, ये तकल्लुम जो आप, ये सब कहाँ से आया है? ये कहाँ से लिया है? ये कैसे इतनी ग्रेसफुल, यू नो, एक आपका एक यू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अटायर, क्या कहेंगे, ये कहाँ से लिया? तो मेरा ख्याल है हमें सब अपना, हमारे एक डीएनए में होती हैं ये चीज़ें। हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं, हमारे वालदैन, हमारे बरादरी, ये सब उठना बैठना जिन लोगों में हमारा होता है, आप कुछ ना कुछ उठा रहे होते हैं उनसे। तो साड़ी मैंने हमेशा अपनी वालदा को जवानी में पहने हुए देखा, सिंदूर भी लगाती थी, बिंदिया भी लगाती थी। अच्छा। तो क्योंकि हम जब हैदराबाद में रहते थे तो वहाँ पे बड़े हिंदू दोस्त थे हमारे, आपने बताया ये, हाँ, हैदराबाद में, तो हम लोग होली भी खेलते थे उनके साथ। तो जब उनके वालदैन को देखते थे हम, और वो जब तैयार होते थे, जब उनके फेरों पे जाते थे, तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर एक वक्त आया कि हम उससे दूर हो गए, पंजाब की तरफ आ गए, उधर एक अलग कल्चर था, वहाँ पे उर्दू का जो कहते हैं, पंजाबियों ने उर्दू को बेसिकली फ़रोग दिया है, तो वहाँ पे उर्दू हमें बड़ी खूबसूरत मिली, हमें से मुराद मैं, मेरे भाई, सिबलिंग्स हमारे, तो वो भी हमने उठाया। घर में बहुत नफासत से उर्दू बोली जाती थी, उसको अपनाया, और पहले नहीं बोलते थे इतना अच्छा, लेकिन जब जब जैसे जैसे शऊर आना शुरू हुआ और समझ में आना शुरू हुआ कि हर लैंग्वेज की, हर जबान की एक अपनी इज्जत होती है जो उसे देनी है, तो अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलो, उर्दू में उर्दू की तरह बोलो, जब अच्छा बोलोगे तो ग्रेस खुद ही आ जाएगा। मैं तो, आपने घर में अपने जो माहौल देखा, मतलब म्यूजिक लवर्स भी हैं और जी वो डांस का भी एक सिलसिला है, तो कैसा लगता था, मतलब यू सॉ एवरीथिंग, तो कब आपको रियलाइज हुआ कि भाई मैं इसी चीज़ से बिलोंग करती हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है? मतलब आपका गायकी में भी रहा, आप डांस भी करती हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुआ, कब पता लगा? वो शुरू से पता लग गया था 6-7 साल की उम्र में कि जी मैंने तो डांस करना है या मैंने जो है वो गाना गाना है, ये कब पता लगा? ये आई थिंक डांस और गाना इज समथिंग जो मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि मैंने बोलने से पहले शुरू किया था करना। अच्छा। तो क्योंकि बच्चा जब आवाज़ निकालता है तो लफ्ज तो नहीं होता, वो एक आ करके आवाज़ निकालते, तो वो भी सुर की थी, क्योंकि वालदा घर में बहुत सुना जाता था गज़लों को, क्लासिकल सिंगिंग को। मेरे वालिद के पास काफ़ी अच्छे स्टीरियो सिस्टम्स थे पुराने, जो जिसपे वो रिकॉर्ड सुनते थे एंड ऑल दैट। तो ग्रामाफोन भी था घर में, तो वो तो एक मेरा ख्याल है कान पड़ी रही आवाज़ मेरा, जब मैं शायद अपनी वालदा के पेट में थी तब से ये आवाज़ें मैं सुनती थी। अम्मी गाती बहुत अच्छा है, तो उनकी भी आवाज़ हमेशा से रहती थी। टप्पे बड़े सुनते थे हम लोग, क्योंकि शादियों में पहले खुद ही ढोल बजता था, ढोलकियाँ बजती थी, खुद ही गाते थे हम लोग। उस दौर की शादियाँ भी बड़ी मज़ेदार थी, बहुत मज़े की होती थी। तो उर्दू स्पीकिंग के टप्पे अलग होते थे जो अब शायद कहीं गुम हो गए, मुझे नहीं याद आ रहे। तो बड़ी जल्दी में शादी होती है और सब वो होते हैं, आप डीजे बुलाते हैं उस पर डांस करते सारे, लेकिन हम लोगों की जो मुझे जो याद है अपने बचपन की शादी, उस जमाने में डीजे फुप्पियाँ खाला ही होती, हाँ सब होती है, और अच्छा लगता था, तो सबको मौका मिलता था कि वो उठ के ट्रेडिशन संभालें। तो मेरा ख्याल है वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि सरायत थी मेरे जिस्म के अंदर, मेरी सोच के अंदर, और उसको मैंने
और फिर डांस की तरफ भी आप इसी को देखते हुए इंक्लाइन? डांस हमेशा से रहा हमने, बचपन में जब औरतें घर में नाच रही थी, मिलके बैठते थे, गाती थी, तो नाच तो एक ऐसी चीज है जो खुद ब खुद आपके जिस्म में पहले से होती है। आप हाथ भी हिलाएंगे, आपने यूं भी किया, ये भी एक डांस का एक जेस्चर है। जो भी मैं ऐसे मूवमेंट दे रही हूं, वो भी एक जेस्चर है। हां, मैं बहुत बुरा डांस करता हूं, इसका क्या इलाज है? कुछ इलाज नहीं। मुझे लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी जब शादी हो रही थी, एवरीबॉडी सेड कि भाई ऐसे डांस करेगा और ये और वो। I was standing and if you won't believe it, कि मैं बोला मैं करूँ क्या? अच्छा, एक दो स्टेप मैंने देख भी लिए, I was very bad at movement and all. उस दिन मुझे realize हुआ कि भाई मैं दूर रहूँ तो अच्छा है। देखिए सुने, अगर तो आप किसी competition में नहीं घुस रहे हैं या आपने अपने कोई वो नहीं दिखानी है कि मैं, ये मेरा टैलेंट है, तो फिर तो आप जैसे भी डांस करें। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, मैं टाइम ले रहा हूं थोड़ा। अब मेरी वालदा ने एक दफा एक जगह पे कह दिया, होता है ना कि हर माँ के लिए बच्चा जो होता है बहुत अच्छा होता है, कि बस ये तो भाई बेहतरीन है, दुनिया में यही अच्छा है। तो कह दिया एहसन वाह क्या डांस करता है। और मुझे ये बात पता लगी कि ऐसा और अम्मी ने कहीं कह दिया और मुझे अब करना भी है। आप यकीन करें कि अब बस वो मैं निकल गया उस वक्त से। और इर्द-गिर्द लोगों का बेटा क्या हाल था? बस वो बस कह रहे थे अच्छा है, दुआ करें इसके लिए। वाली बात नहीं, नाचना देखिए, नाच जो होता अच्छा, है। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली होगी ना? एक मिनट, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, अभी भी ले रही हूँ। ये ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा क्लासिकल डांस करती हूँ। डांस जिस दौर में मैंने डांस करना सीखा उस वक्त मेरी एज उस निकल चुकी थी जिसमें आप मोल्ड करते हैं अपने जिस्म को कि वो अच्छी उसकी पॉस्चर्स की तरफ जाए, या वो बहुत ज्यादा फिजिकल उसमें एबिलिटीज क्रिएट हो जाए। आप कथक टाइप करती हैं शायद? मैं एक ओडिसी है डांस जो बहुत पुराना क्लासिकल इंडियन डांस है, और एक कथक है। ये दो डांसेस है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से डांसर हूँ। मैं उसके अंदर एक्टिंग, जिसको हम अभिनाया कहते हैं, उसका डांस का वो एक बहुत मेजर पार्ट होता है। उसको हम लोग एक्सप्रेशंस होते हैं, मेरे ख्याल में एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें। आप बगैर कुछ मुंह से बोले बताते हैं जो आपने शायद एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी के मूवमेंट्स के थ्रू, या आपने जो लव्स है उस लव्स को आप बेसिकली, अगर जैसे मेरा जो परफॉर्मेंस होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक आलाप होता है जिसमें इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि माहौल क्या बनने वाला है। दूसरी जो होती है वो एक ताना बाना होता है बिटवीन सॉन्ग एंड नसर, सही, ठीक है। और ये जब आपस में मिलते हैं उसके बाद वो कहानी बताते हैं, और उसके बाद फिर बीट्स शुरू होती हैं जिसमें अभिनाया और उस ताल को मैं इस्तेमाल करके जो गाना और नसर मैंने कही होती है उसको परफॉर्म करती हूँ। तो अगर ये इस तरीके से चलता है तो फिर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फिर वो उसमें मैं कभी कथक ले आती हूँ, कभी मैं ओडिसी ले आती हूँ, डिपेंडिंग के मेरे पास गाने की बीट क्या चल रही है, क्योंकि कथक की बीट बहुत डिफरेंट होती हैं। कथक के एक्सप्रेशंस बड़े मज़ेदार होते हैं। नहीं, एक्सप्रेशन सबके, यू से इट ऑल, यू नो। हाँ, देखिए हमारे जो डांसेस हैं ना उनके एक्सप्रेशन वो एक ही हैं, जो नवरस, जिन्हें नौ रस हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास गुस्सा आता है, मोहब्बत आती है, जेलसी आती है, जिद आती है, जिद आती है, ये वो नाइन आपके जो भी नवरस हम जिन्हें कहते हैं, ये वो एक्सप्रेशन हैं जो कि जिस पे बेस करता है हमारा डांस का अभिनाया। ये वेस्टर्न में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो कैफ के लिए एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन आ गई है कि whether she has to select singing or dancing, then what is it gonna be? Oh my God. नहीं, वो कर नहीं सकते, आप दोनों चीजें साथ चलती हैं। जब मैं गाती भी हूँ कभी परफॉर्म कर रही होती हूँ तो वो एक्सप्रेशन खुद ब खुद आता है। गाना मतलब आपको एक चीज सेलेक्ट नहीं करेंगे आप? मैं कर नहीं सकती एक चीज, मुझे जब कोई कहता है ना फोकस हो जाए मैं बोर हो जाती हूँ फौरन। अच्छा। तो मुझे लगता है अगर मैं गा भी सकती हूँ, डांस भी, नाच भी सकती हूँ और थिएटर भी कर सकती हूँ, एक्टिंग भी कर सकती हूँ, तो फिर मैं तीनों चीजें क्यों नहीं। अच्छा, थिएटर का बताएं, अभी आपने बताया, कैसा लगता है थिएटर करके, रिस्पॉन्स लोगों का मिलना, यू नो ऑन द स्पॉट दे आर क्लैपिंग, दे आर सेइंग समथिंग, दे आर humming and all, you know, agreeing with you, nodding their heads, क्या होता है, क्या feel होता है? सबसे पहले तो इस platform को इस्तेमाल करके मैं वही बात करें जो हम लोग बार बार repetitively कहते हैं कि ताली पीटना during performance, during theater गलत बात है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, सुना कीजिएगा। कभी theater में बैठे हो तो वाह कह दें या फिर आप मतलब दाद दे दें, बस इतनी बहुत। मेरे ख्याल आपकी तवज्जो भी हटती है। हमारी नहीं हटेगी, लेकिन जो ऑडियंस बैठी होती है ना उसका हमारे साथ कनेक्शन टूट जाता है। कोई हम तो खो गया है कोई शायद और अचानक से आप, हाँ, मतलब कोई ऐसा बहुत सफा होता है कि ऑडियंस नहीं रुक सकती और उसको पीटनी पड़ती है ताली, लेकिन हम डिस्करेज ही करते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक शुरू करता है फिर बहुत सारे शुरू करते हैं, फिर वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे वो टेंशन क्रिएट हुई होती है और आपको वाह वाह ही मिलनी होती है उसकी, वो टूट जाता है एकदम से ऑडियंस के लिए।
फिर उसको दोबारा से बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको मजा किसमें आया, थिएटर में या ड्रामा एक्टिंग टीवी पे? अगर आप दोनों अलग अलग जॉनर हैं, आप मिला नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि थिएटर में यू हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी। आप स्टेज पे जब होते हैं फिर आप हैं वहाँ पर उस स्टेज के ऊपर, आप आपकी प्रेजेंस है। आप एक डेढ़ घंटे के लिए अगर आप सोलो कर रहे हैं या किसी एक बंदा और है आपके साथ, तो फिर वो पूरा स्टेज आपका है और फिर बड़ा मज़ा आता है। और कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऑडियंस के साथ अपना आई कांटेक्ट रखती हूँ। अच्छा। तो जब मैं कोई डिलीवरी कर रही होती हूँ लाइंस की, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मुझे लग रहा होता है कि रिएक्शन आ रहा है, तो बहुत एक अजीब सा यूफोरिया होता है, एक अजीब सा क्लाइमेक्स की तरफ आप लेके जाते हैं। आपको कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहा है, चाहे टीवी से रिलेटेड या कोई ऐसा यादगार हो गया हो कि बस ये कैरेक्टर तो मजेदार था, आई रियली थॉरली एंजॉयड इट, या थिएटर में ही हो? मैंने एक फसी बारी की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जो मज़र मोइन ने की थी। मैंने बहुत दफा बोला इसको, रश के कमर उस प्रोजेक्ट उसका नाम था कैरेक्टर का, उसमें वो मुझे इसलिए यादगार लगा क्योंकि उसके अंदर मैं गाना भी गा रही थी, डांस भी साथ कर रही थी और एक्टिंग भी कर रही थी। और मेरे बहुत सारे सीन्स कवि अंकल के साथ थे जो मेरे बहुत फेवरेट अदाकार हैं। मैंने अपना पहला मेजर प्रोजेक्ट उनके साथ किया था, तो दैट वाज 2007। उसके बाद फिर मैं पढ़ने चली गई थी बाहर, लेकिन उनके साथ रابطہ मेरा रहा कवि अंकल के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इतने सालों बाद उनको देखा कि जिस उम्र में वो हैं और उनकी एनर्जी का लेवल मुझसे भी ज़्यादा था, तो वो मेरे लिए सेट जो है ना वो बहुत यादगार सेट रहा। अच्छा, आर्ट से आप बड़ा जुड़ी रही है, मतलब घर में भी माहौल, फिर लाहौर में आपने नेशनल उसमें आपकी एनसीए में, फिर आप बाहर जब कैलिफोर्निया मेरे ख्याल है आप, तो इतना आपको था प्यार और वही फील्ड में आपके दिखता है, यानी आपकी जात में दिखना शुरू हो जाता है जब आपको अपने मेरे ख्याल प्रोफेशन से मोहब्बत होती है। ऐसे ही है ना, ये भी है एज एन आई थिंक इट वाज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, वी डोंट हैव एनी डांस स्कूल्स और सिंगिंग स्कूल्स हियर, कॉलेजेस ऐसे नहीं है, आपको उस तरह की डिग्री नहीं मिलती जिस तरह की मैं चाह रही थी लेना। तो मुझ जैसा बंदा और मुझसे ऐसे बहुत बंदे जो आज आके फिर आर्ट में ही घुसते हैं, क्योंकि फिर आपको अपना जैसा बंदा वहाँ मिलता है, अपनी सोच जैसा बंदा मिलता है, आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। तो जब वो मैंने उसके अंदर बैचलर्स किया, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली, फुल ब्राइट में मास्टर्स करने चली गई, तो मुझे लगा कि अब ये एक चीज़ है जिसमें मैंने इतने साल इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो फिर इसी के साथ रहें और साथ साथ मैं अपना ये पैशन, क्योंकि बहुत दुख की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलती है, आपको लगता है ना कितना मुश्किल है आर्ट के लिए हमारा जो नहीं मिलती सपोर्ट, बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास कल्चरल मिनिस्टर ही नहीं है। आपका जब कल्चरल मिनिस्टर ही नहीं होगा, और अगर आपने ऐसे ही बांटनी है मिनिस्ट्रियां जिसमें कल्चर इतना इम्पोर्टेंट रोल, अब हमारा ये रोना है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा कल्चर कहाँ चला गया। नहीं, हमारा कल्चर वहाँ है जी, लेकिन उसको फरोग देने वाला कोई नहीं है, कल्चर शफकत नहीं है उस पे, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आती किसी को, समझ में ही नहीं आती किसी को कि डांस का एक अलग कल्चर है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो सेक्शन है उसको संभालने वाला कोई नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी की नजर हो जाता है या वो किसी और चीज की नजर हो जाता है। तो हम जैसे लोग जो मुट्ठी भर रह जाते हैं, फिर वो या तो भूखे मरते हैं या फिर वो कोई और काम करना, जैसा मैं करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ साथ साथ, एजुकेशन अपना में घुसी रहती हूँ, जबकि मेरा रुझान हो के भी वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की जो सलाहियतें हैं वो कभी उभर के सामने ही नहीं आएंगी। जब मैं इतनी थकी हुई घर पहुँचूंगी ऑफिस से, तो फिर कहाँ बंदा एनर्जी लेकर आएगा। आपको रिस्पॉन्स कैसा लगता है यंगस्टर्स की तरफ से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो जाहिर है आपने पढ़ाया भी है, आपने उनको समझाया भी है, क्या देखती हैं, क्या वो सिर्फ एक मीडिया की चमक देख के या थोड़ा सा ये सोच के कि बस हम इसमें आ जाते हैं, हम मीडिया साइंसेस पढ़ लेते हैं, क्या ये एक बस रीज़न है, या बस फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सोचते हैं? मैं समझता हूँ आर्ट तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ी सीख चाहिए, बड़ा आपको इसमें जाना पड़ता है, फिर आप सीखते हैं, फिर आप निखरते हैं, फिर आप आते हैं, फिर आप उभरते हैं, फिर आप कमाते भी हैं, क्या देखा आपने? देखिए, अभी जो एजुकेशन का तरीक़ेकार चल रहा है उसमें तो जिस तरीके से बच्चा सोच लेकर आ रहा है यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेजेस में, वो सही है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते। उसको पता है उसे डिग्री चाहिए, वो पे कर रहा है इस पर्टिकुलर फैकल्टी के लिए, तो वो एरोगेंट भी है और वो आपसे सवाल भी करता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं इस तरह।
जबकि मुझे याद है कि हमने कभी भी अपनी टीचर से ये सवाल नहीं किया था, हम बल्कि बड़ा गौर करते थे कि हमारे उस्तानी ने या उस्ताद ने ये क्यों बात बोली है। उसमें हमें नाराज़गी भी होती थी उनसे, लेकिन ये ज़रूर था सोच के अंदर हमारी कि कोई तो वजह है कि इस पर्टिकुलर उस्ताद ने ये बात कही है। अब का बच्चा जो है वो फौरी तौर पर इंतहा पसंदी का शिकार हो जाता है और आपको एकदम से लेबल कर देता है, और जो कि आज के दौर का तरीकेकार भी है, लेबल करना आसान है, लेबल से ज्यादा आसानी से समझ भी आ जाती है इंसान की कि अच्छा नहीं ये तो कंजर्वेटिव है, अच्छा नहीं ये तो लिबरल है, अच्छी साड़ी पहनती है तो खराब औरत होगी, ओ ये इसने वो लगाया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, ये तो हिंदू है या हिंदुआना सोच रखती है। तो मेरा ख्याल है ये जजमेंटल बहुत है, जजमेंटल हो गए क्योंकि बनाया गया है आज के एजुकेशन हमारे निसाब के हिस्से के अंदर जजमेंट क्रिएट करना, सब्जेक्टिव होना ज्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया, ऑब्जेक्टिव होना कम। तो वो क्या हो रहा है कि बच्चा, और मैं इसलिए नहीं उसको इल्जाम देना चाह रही स्टूडेंट को, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें करने को, उसने इंटरनेट पे भी बैठना है, उसने लाइब्रेरी भी देखनी है, उसने मार्क्स भी देखने हैं, उसने जॉब भी करनी है, उसने घर में संभालना भी है चीज़ों को, फिर उसने एक अपना इमेज है जो कि ग्लोबल विलेज में बेहतर रखना है, यंग एज पे बहुत जल्दी एज पे उसने अपनी राह पकड़ लेनी है। तो हम जिस तरह जब छोटे होते थे, जब मैंने ओ लेवल्स किया तो मुझसे जब कोई सवाल करता था कि आगे क्या करना चाहती हूँ, तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे, क्योंकि मुझे तो करना था गाना और डांस। जिस लड़की ने 12 साल की उम्र में पहला मुजरा परफॉर्म किया हो अपना, वो कर रेखा को देखकर उमराव जान का था, क्या है आपने हाँ सही। वो किया था, तो वो इतना मुझे उस पर इतनी दाद मिली थी, मैंने उस वक्त कथक सीखना शुरू नहीं किया था, पर ऑडियंस में बैठे हुए लोगों ने मेरी वालदा को पकड़ कर कहा था कि बच्ची के पास कुछ है, इसको लेके जाए सर, पर नहीं लेके गए क्योंकि एजुकेशन इम्पोर्टेंट थी। अब कोई पूछ रहा है क्या करना चाहती हूँ, तो मैं कह रही हूँ शायद मास्टर्स कर लूंगी, और दिल कहीं और है। हाँ, अब ओ लेवल्स करने में मास्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जब किसी ने कहा मास्टर्स नहीं करना, तो मैं कह रही हूँ मैंने अभी नहीं करना मास्टर्स, मास्टर्स आप तब करते हैं जब आपके पास कोई सवाल होता है, उस सवाल को पूरा करने के लिए आपने उसके ऊपर उसका उस्ताद बनना है, राइट। और पीएचडी भी इसीलिए की जाती है, तभी पीएचडी कम कम होती थी, आज की तो अब तो हर एक को बट रही है पीएचडी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं आप? बहुत बुरे तरीके से, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द यंग पीपल, हमारे लिए भी नहीं है, बहुत एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया पे जो लोग क्रिटिकल होते हैं ना, वो लोग हैं जो कि जिंदगी में हारे हुए हैं और उनकी कोई बात नहीं सुनता। लव एंड अट्रैक्शन, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या फर्क है? बड़ा थिन लाइन लोग कहते हैं इसमें है, हाउ डू यू डिफाइन इट? थोड़ा सा सीरियस हो गया था तो अब ये वाला सवाल जी। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए अट्रैक्शन जो है ना वो मोस्टली, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। भाई अगर आप उर्दू में जाएं तो इसके तो बहुत सारे लफ्ज हैं उर्दू में, मोहब्बत है, रोग है, उनसियत है, और भी बहुत रोग भी है, रोग भी है मोहब्बत, मोहब्बत का एक वो है, एक शक्ल है, क्योंकि आप बड़े रोग में जब जाते हैं तो बड़े दिल से जाते हैं, ऐसे तो नहीं है कि बस ऊपरी रोग में क्या बंदा घुस जाता है रोग में तो अपने आप को मिटा देता है। तो आपके नजदीक एक जुमले में क्या है फिर मोहब्बत? एक जुमले में बोल नहीं सकती, ये बड़ा मुश्किल सवाल है ऐसे, मुझसे अगर कोई भी पूछता है ना तो मैं कभी भी डिफाइन नहीं कर सकती कि मोहब्बत होती क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है मोहब्बत अगर देखी जाए तो मोहब्बत वो है कि जिसमें आप किसी को अपना आप, किसी को, किसी चीज को, कोई भी लिविंग थिंग हो, उसमें सिर्फ किसी इंसान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जानवर भी हो सकता है, फल पौधे भी हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है, जब आप उसको पूरा अपना आप दे दो तो मुझे लगता है मोहब्बत उस जगह को कहें। मैं इतनी शायराना नहीं हूँ तो मुझे, शायराना तो खैर आप हैं, शायरी तो आप बहुत अच्छी पढ़ती हैं। मैं रोमांटिक हूँ, मैं शायराना नहीं हूँ, शायरी से कोई लगाव नहीं है। मुझे है, अगर मुझे गाना पढ़े तो मैं कर लेती हूँ, पर अगर पढ़ने की बात आती है तो मैं इतनी बड़ी चोर हूँ, किताबें नहीं पढ़ती। नहीं, मैं आई वुड रादर वॉच फिल्म्स।
All right. So you're the kind of a movie जो Netflix पे movie कभी जब free हुई ऐसा होता Netflix है. Netflix पे भी होता है. पहले हमारे दौर में तो कैसेट होती थी तो हम rent करके लेके आते थे VCR. तो जब फारिग होती हैं बिल्कुल काम नहीं होता तो क्या करती हैं? फिर मैं गाने सुनती हूँ और देखती हूँ और फिल्में देखती हूँ और मेरे मोड्स होते हैं डिफरेंट. आजकल जिन फिल्मों के मोड्स हैं वो ताइवानीज सिनेमा है जो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ. कोरियन सिनेमा बहुत शौक से देख रही हूँ. और गानों में मैं हिप हॉप बहुत सुन रही हूँ. अच्छा. मेरी बेटी BTS, मेरी बेटी हालांकि अभी 3 साल की है सिर्फ, तो उसको BTS बैंड बहुत पसंद है तो मैं उसके साथ देख रही हूँ. मुझे वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं. वो इतने अच्छे गाने उन्होंने बनाए हैं कि मैंने, मेरी बेटी भी डांस करती है तो मैं भी उसके साथ. What makes you angry, you know? What makes you feel aggressive या गुस्सा किस चीज़ पे आता है? किसी भी चीज़ पे आ सकता है, कोई एक चीज़ नहीं है. मूडी हैं आप? बहुत शदीद. अच्छा. हाँ हाँ. पहले घर वालों को क्या शिकायत है भाई कैफ के अंदर ये आदत जो है ना ये भी ये बुरी है, कोई ऐसी बात कहते हैं? तोता चश्मा, मैं बहुत शदीद. अच्छा. राइट. मतलब आप जब मुझे अपना काम नहीं होता फैमिली वालों से मैं घर भाग आए किसी जगह की तरफ जा रही होती हूँ तो हाँ मुझे वहाँ पे पहुँचने की जल्दी होती है. अगर अक्सर और बेशतर मैं लेट पहुँचती हूँ क्योंकि मैं लेट निकलती हूँ घर से. तो मुझे याद है जब मैं जजा सजा कर रही थी थिएटर तो जहाँ मोहिद्दीन ने मुझसे कहा कि भाई आपको टाइम पे आना पड़ेगा, तो मैं उनकी शक्ल देखी नहीं कि ये तो नहीं हो सकता. टाइम का मसला है, पंक्चुअल नहीं है. अच्छा. और वो इतने पंक्चुअल हैं तो कहते हैं ये क्या बात हुई. मैंने कहा मैं नहीं आ सकती. इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है है ना? लेकिन ज्यादा नहीं हुआ. नहीं नहीं, मैं इतनी लेट जाती हूँ. अच्छा. तो जो तो बंदा पॉइंट मतलब एक एक सेकंड गिन रहा होता है वो फिर परेशान होता है मेरी वजह से. तो जहाँ साहब को मैंने कहा, उनको मैंने कहा आप मुझे आधा घंटा पहले का टाइम दिया ताकि मैं टाइम पे पहुंचूं. तो मैंने उनको बहुत इंतजार कराया और वो बड़े ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन कि उन्होंने मुझे बुरा नहीं कहा. राइट. एक दिन तो मैं थिएटर में अपनी बेटी को ले गई, वो रो रही थी. अच्छा. तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, कहती आज आपकी छुट्टी है. अच्छा. अभी आपने जो इतनी तिश्नगी बढ़ाई है, इतना कुछ अपने बारे में बताया, इतनी कलरफुल माशाल्लाह आप हैं. हाँ. तो अभी ये बताएं क्या सुना रही है? बस ओ माय गॉड समथिंग. मैं ये सुनाने का सारी बातें अगर आप गुनगुना दें तो बस. मैं सोच रही हूँ क्या गुनगुनाऊँ आपके लिए. मुझे याद नहीं आ रहा आपने एक, आई थिंक मैंने लिखा भी था शायद, आपने एक जगह वो गाया है. आई डोंट नो, बड़ा अच्छा था. मुझे हालांकि मैंने वो गज़ल मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन आपने उसकी 2-4 लाइनें गाई. आपको याद भी नहीं होगा. देखें, आई डोंट रिमेंबर दैट. चलिए मैं एक ठुमरी सुना देती हूँ. अगर मेरे उस्ताद मुझे डांटे ना इस टाइम पे सुनने के बाद, क्यों गई तुमने? right. पर ये मैं उनसे सीख रही हूँ. और मैं सिर्फ 2-3 लाइन से सुनाऊंगी आपको. right. लागे रे तन मन धन बाजे लागे रे तन मन धन बाजे लागे रे तन मन धन बाजे आओ सखी आओ आओ सखी मिल चौसर खेले पी अपने के साथ. बहुत खूबसूरत गाती हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपके साथ. आपको पता है कि वक्त पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता. मैं अभी स्टिल आपसे 1 घंटा बात कर रहा हूं. अच्छा, टाइम हो गया. ओके, कूल. ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैफ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. आपने वक्त निकाला, ट्रूली इज एन ऑनर. yeah. और बहुत अच्छा लगा. खुदा आपको ऐसी कामयाबियां अता फरमाए. आपको भी. आप बहुत खुश अखलाक हैं. जैसा आपके बारे में सुना था वैसे ही आपको पाया है. अपना बस यही है कि मैं आपको मजीद दुआएं दूंगा कि आप. बहुत शुक्रिया. आपके लिए भी बहुत दुआएं और आप लोगों के क्रू के लिए बहुत दुआएं. और ये बड़ा अच्छा सेटअप है. कीप इट अप एंड कीप द इंटेलेक्चुअल डायलॉग गोइंग. राइट. थैंक यू सो मच जी. बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा. उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.